जम्मू कश्मीर राज्य में आतंकवाद के खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध के बीच श्री अमरनाथ जी यात्रा बड़े हर्ष उल्लास के साथ चल रही है। वहीं जम्मू भगवती बेस कैंप से निकलने वाले जत्थे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा बल नुनवन बेस कैंप तक साथ जाते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु और पर्यटक बिना जत्थे के एवं तय समय के बाद निकलते हैं उन्हें रामबन में रोका जा रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर केंद्र सरकार एवं प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर श्रद्धालुओं का ये कहना है कि हम दो दिन कश्मीर घूमने के साथ साथ बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन हमें रामबन में रोका गया है, जिससे हमने जो कार्यक्रम बनाया है वह अधूरा रह जाएगा। वहीं उन्होंने ये कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह से गुजारिश करते हैं कि यात्रा करने के लिए रोकने के समय को बढ़ाकर शाम 7 बजे तक करना चाहिए, ताकि हम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। लुधियाना से आए हैं भाई, श्रीनगर जा रहे हैं और इधर टाइम ही बहुत कम कर दिया इन्होंने। अभी इनको 4 बजे तक टाइम बढ़ाना चाहिए, बिकॉज लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, पीछे गाड़ियां बहुत रुकी हुई हैं, बसों को तो आने ही नहीं दिया जा रहा। और 11 बजे तक का टाइम है, 12 बजे तक का टाइम, पर अभी 4 बजे तक का हो तो अच्छा है। कहना चाहते हैं जब 1 बजे ही रोक ले, रात का टाइम नहीं है, दिन का टाइम है, इतना उजाला है, ना कोई मौसम खराब है, उसके बाद भी रोक ले तो आगे आने वाला टूरिस्ट पूरे दिन परेशान होगा, कैसे आएगा यहाँ, क्यों आएगा कोई, यहाँ सुकून और शांति के लिए आता आदमी, और ये 1 बजे रोक रहे तो आगे कैसे आएगा आदमी। ठीक है, सुरक्षा भी, अब ये भी अपनी जगह सही है, सुरक्षा अपनी जगह सही है, लेकिन आदमी को इतना भी 6-7 बजे तक खुलना चाहिए, 7 बजे इनको रोकना चाहिए, उसके बाद आदमी टूरिस्ट भी आए और जाए, ये सब होना चाहिए। जम्मू से शमशेर सिंह की रिपोर्ट।